अभी आपको ना फर्क दिखाते हैं, ये आ गया जो हमने लगाना है, ये देखो अभी हमारा रूफ रैक कच्चा ही है। रॉकी भाई वेट कितना है आपका? नॉट फीलिंग गुड टुडे। सब जगह मैंने जो है अमाउंट पे करना है, कितना खर्चा बना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको बिल बनाने के लिए बोला था, बनाया? ये है अक्षय भैया का बिल। मैं कह रहा हूँ बाकी सामान से पहले जगह लो, घर बनाओ। ये क्या है? ये फेस मास्क है क्या? अभी ये देखो, ये आपने देख लिया ना, अभी बाकी का मसला मैं करके बताता हूँ। जो हमारा बिल है वो बन के आ चुका है, तो ये अमाउंट आप सीधा सीधा देख सकते हो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब हो रही है दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग के साथ। 9:30 जो है वो जल्दी ही निकल रहे हैं, बिकॉज काम दाम जितने कर लिए गए अपने अच्छे हैं। रोज एक ही कहानी बोलता हूँ, क्या है? कोई नई लाइनें सिखाओ मेरे को दोस्त। नाली जो है ऑलमोस्ट पक्की हो चुकी है, शायद यहीं तक रखनी है, जैसे आगे लेके जानी है कोई पता नहीं है। गॉबलिन बेचारी ऐसी लगती है जैसे खड्डे में डाली हुई है। तो अभी इसको क्या है, वॉश करवाना था साइड से, तो ठीक है, आगे से तो क्या बुरी हालत है, लेकिन अभी वॉश करवा नहीं सकते यार, गंदी गाड़ी लेके जाने का मन नहीं करता। और यहाँ पे मैं रहता हूँ ना पर्टिकुलरली, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप अपनी गाड़ी, मतलब आप किसी के साथ महीना कर लो और घर पे आके कोई गाड़ी धो जाए, यहाँ वैसा सिस्टम नहीं है। मतलब चलो वॉश तो ना करे बट कपड़ा मार दे, एटलीस्ट थोड़ा टाइम बच जाता है। जब हमारे पास वैगनर थी ना, हमने कभी उसको वॉश नहीं करवाया, उसको खुद ही वॉश करते थे। आज ऐसा नहीं है कि अपनी गाड़ी को खुद वॉश करने का मन नहीं करता, जो आज हम सोखे हो गए, नहीं, टाइम का मसला रहता ना, क्योंकि अभी वॉश करने में उतना टाइम लग जाता है। अभी जैसे मैं तैयार होकर आया हूँ, अगर डस्ट डुस्ट साफ करूंगा फिर कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं डस्टी हो जाऊंगा, ये सारी चीजें रहती है। बट ओवरऑल गुड शो, गुड एक्सपीरियंस। लाइफ में हमेशा ग्रो करिए, मेरा तो मतलब ऐसा मानना है कि आपको ग्रो करना है तो आपको स्लो ग्रो करना है, बट स्टेबल ग्रो करना है, ये ना एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो बस ठीक है, उसी स्लो एंड स्टेबल ग्रोथ का कंसेप्ट लेके हम जिंदगी में चले हुए हैं। आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा, यहाँ तक आपने पहुंचाया तो आप आगे भी कहीं ना कहीं मुझे पहुंचा ही दोगे। बस करते हैं आज के दिन की रात, जो भी कहानी है आज वो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस फाइनली मिस्टर मोहित जी, मिस्टर मोहित जी लॉन्ग नेम, ठीक है, इतनी इज्जत के लिए। तो चलिए जी अभी जा रहे हैं सीधा अमित भैया की वर्कशॉप। ही रूफ रैक आज रेडी होना चाहिए यार। आज एक काम और भी करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आज पेमेंट डे करना है, पेमेंट डे। मुझे लगा वर्कशॉप में इतना सन्नाटा है, क्या सवेरे सवेरे पढ़ा दो? ठीक हो सारे? चल जी ठीक हो, ये अभी है कि पहले भी था? क्या बात है, लुकिंग गुड। हेलो सर, क्या हाल है? तो जी ये फिट इन्होंने हमारे आने से पहले ही शुरू कर दिया है। वो निकल गया था उस साइड से, कर दिया फिट? नहीं, उस साइड करना है। अच्छा, बम्पर का भी कुछ खोला है क्या? अच्छा, तो बेसिकली ये जो है ये लंबे वाला लग रहा है, उस साइड कर दिया फिट क्या? नहीं, ठीक है, मैं आपको एक बार फर्क दिखाऊंगा दोनों से, कुछ तो फर्क पड़ेगा। मेरे को लगता है बम्पर खोल के करते तो इजिली हो जाता। तो जी ये फिर से करवा रहे हैं पक्का, अगर अभी ये खुला ना, सुन रहे हो? कोई गल अभी आपको ना फर्क दिखाते हैं, ये आ गया जो हमने लगाना है, ये देखो, ठीक है ना। बेसिकली जो गैप है वो इतना सा ही है, तो लगभग डबल का फर्क है इसमें। तो अभी जब ये पूरी लगेगी उसके बाद देखते हैं टायर टच करता है कि नहीं करता है, करना नहीं चाहिए नहीं तो फिर दिक्कत होगी। यहाँ से कह रहे थे निकालने में दिक्कत आएगी, कल क्या होगा तो बेसिकली उस साइड क्या है, स्टीयरिंग बॉक्स है ना, तो यहाँ टच कर रहा है। तो जी अभी क्या है कि बम्पर खोलना पड़ रहा है, क्यों खोलना पड़ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इस वाले स्ट्रट पे ग्राइंडर चलेगा, लेकिन बम्पर के लगते हुए ग्राइंडर हम चला नहीं सकते, ये जैसे फर्क है। देखो इसमें जो ये स्क्रूज है, ये साथ में बोल्ट मतलब वो बेल्ट किए हुए हैं जो है ना स्ट्रट, तो उसमें वो सीधे हैं, तो ये दिक्कत आ रही है। कोई चीज ना निकले तो काट दो, सिंपल एज दैट। ये हमारा टैलेंट है, फिट तो हो रहे हैं ये। 550 रुपए की लिफ्ट फिट है, मारो, मारो। बस
तो चलिए जी, अभी क्या है कि टायर जो है वो फिर से हमने फिट कर लिए हैं। अब यहाँ से देखेंगे, एक तो ये चीज है कि इस बोल्ट में थोड़ा सा फर्क है, हमें दूसरे वाले बोल्ट चाहिए। पर सबसे पहले तो ये है कि ये जो टैकल है ना, ये आगे मूवमेंट करता है, तो क्या है बम्पर के साथ टच होता है नहीं होता, हमें ये सारी चीजें चेक करनी है। जैसे क्या होता है, ये जो शैकल रहते हैं ना हमारे, शैकल के बीच में हमेशा गैप होना चाहिए। जैसे जो ये वाला स्क्रू है, ये स्क्रू इस हिसाब से बना हुआ है कि यहाँ पे ना गैप रहेगा, तो आपका बुश कभी इस एंगल से, ये जो प्लेट है ये वाली, ये कभी इस एंगल से आगे नहीं जाएगी, तो ये बुश कटने का रिस्क नहीं है। फिलहाल हमने जो स्टड लगाए हुए हैं ना, उसमें ये रिस्क है कि ये बुश बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा और ओवर द टाइम ये कट जाएगा। तो अब इसको हमने कैसे सॉर्ट करना है, क्या करना है, वो अभी हमें देखना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, देखते हैं। मेरे को लगता है गोरबिया के पास वापस जाके हमें इस तरह वाला स्टड चाहिए होगा। एक जो रिस्क और है, अभी लिफ्ट भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये जो ब्रेक लाइन है ना हमारी, इस पे ज्यादा स्ट्रेच आएगा, तो ये भी रिस्क है। तो एक बार गाड़ी जब नीचे बिठाते हैं तो फिर देखते हैं। बड़ी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं यार, ऐसा नहीं है कि मतलब एक चीज निकाल के तो डाल दी, हाँ भाई सब ठीक हो गया। अभी हमें दूसरे वाले स्टड्स चाहिए, बुश कटने का रिस्क है, ब्रेक लाइन को भी देखना है और बाकी बम्पर वम्पर भी सारा देखना है। बहुत ज्यादा जो है फर्क पड़ गया, काफी ज्यादा हाइट हो गई है, अब स्टांस भी प्रॉपर हो जाएगा, नहीं तो आगे से पहले थोड़ी सी बैठी हुई लग रही थी। रूफ कैरियर जो है वो तो उतार के रख लिया है, तो अभी एक बार ट्राई मारते हैं कि मुझे चलाने में कुछ कैसा फील हो रहा है। स्टांस प्रॉपर आ गया है, लिफ्ट जो है वो हो चुकी है, लेकिन अभी एक तो बुश वाला मसला है और ड्राइव करके मुझे देखना पड़ेगा कि भाई क्या ही डिफरेंस पड़ रहा है। अभी क्या है, थोड़ा सा ट्राई मार कर देखते हैं कि हैंडलिंग में कितना ही वो हो रहा है। तो इवन मुझे स्टेयरिंग थोड़ा सा तो बेसिकली हमने हब लगाया ना, मैं सोच रहा हूँ स्टेयरिंग क्यों लाइट हो गया, तो हाँ स्टेयरिंग में काफी फर्क पड़ा है। अभी बहुत ज्यादा इंक्लाइन तो नहीं है गियर में अभी गाड़ी, तो हम बेसिकली चेक कर रहे हैं, जैसे थोड़ा बहुत अगर इंक्लाइन भी हो रहा है, तो मैंने स्टेयरिंग काटा भी है, तो स्टेयरिंग कहीं भी, स्टेयरिंग क्या मतलब टायर काटा है, तो कहीं भी टच नहीं हो रहा। प्लस हमें देखना है कि ब्रेक लाइन जो है, इवन अभी थोड़ा सा गाड़ी फ्लेक्स पे भी आई है, बट स्टिल ये हिल रही है, ब्रेक लाइन पे कोई स्ट्रेस नहीं है। जो मेजर है वो बुश का ही मसला है। देखो अभी जैसे इतना दबने पे टायर जो है टच भी नहीं कर रहा है, तो मतलब लिफ्ट से फर्क पड़ा है एंड व्हील हब से भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। सो ओके, लॉक ये वाला भी थोड़ा सा फ्री भी हो गया, एक प्लास हमें लेना पड़ेगा, पर दोनों हाथों से डोर लगाते हैं। ओवरऑल गुड शो, गुड एक्सपीरियंस। तो ये एक बड़ी मेजर चीज थी जो हमें अपनी बुलेरो में करनी थी, एंड बस अब रूफ रैक का वेट है, एंड देन जो मैंने कल के टाइटल थंबनेल में डाला है, इंटरनेशनल ट्रिप तो खैर होगी नहीं होगी पता नहीं है, बट एक ट्रिप जरूर होगी। तो जो भी किसी तरह की आवाज आ रही है खड्डों पे, मुझे पता नहीं, वो चेक कराना पड़ेगा, आगे स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं ना, उन पे हमें प्रॉपर आवाज का पता चल जाएगा। चलो अभी देखते हैं स्पीड ब्रेकर पे हो रहे हैं आगे। अरे स्कूटी वाले भाई साहब, अब नहीं आया ना, पहले आई थी पीछे डिक्की में, कुछ डिक्की वाले की एक बार आगे वाले से भी देख लेते, स्कूटी वाले भैया को देख लो, इतना डरने की जरूरत नहीं है। चलो अब देखते हैं भाई की बात, पीछे ही है, पीछे ही है। बिजनेसमैन अमित भी आ चुके हैं, ठीक रहा। बस इसमें बुश किट का है वो बताता हूं क्या मसला है, इसको लगाना का है। अगर बुश किट का कोई मसला तो आगे लगा दो, नहीं रूफ रैक का करेंगे। टेस्टिंग करके तो आ चुके हैं वापस, वो सारा मसला ठीक है, अब रूफ रैक का मसला आ गया। तो यहाँ पे मोहित की हाइट का जो है वो फायदा हो जाता है, बिकॉज लंबा आदमी है ना, तो वो सीधा उठा के इसको ऊपर तक ले जाते हैं, अभी हाइट काफी ज्यादा होगी। जिसका बंदा लंबा हो उसका भी बड़ा काम है ना। आ, तो कौन सी मूवी थी, डॉन, डॉन का था, और आज इसको फिट करना ही करना है बस। मोहित तेरे को आगे वाली साइड आना चाहिए, चल ठीक है। अभी हमारा रूफ रैक कच्चा ही है। रॉकी भाई वेट कितना है आपका? 69 मेरा, ये कम से कम भी 75 किलो के तो होंगे। कौन आप? नहीं यार। हाँ कितना? 57। मोहित का है 57। 59 शरी का है। मेरे को लगता है कुछ ना तो 50-55 किलो तो राकेश भाई का होगा। राकेश भाई आपका कितना है? मैंने कभी ट्राई नहीं किया। फाइनली ये यहाँ से लाइट है, ये देखो क्या है कि इसको ना यहाँ पे एक एक टांका लगाएंगे तो फिर ये पक्का हो जाएगा, और उसके बाद जब सारे लगाएंगे तो फिर ये एकदम बढ़िया से लग जाएगा, क्योंकि टेंट लगे ना लगे लेकिन सोएंगे इसी पे। तो गाइस इधर देखो, कर्मा यात्री, इधर द रोड नेवर एंड्स मोटरसाइकिल एडवेंचर इन द हिमालय। जनवान क्यों चला रहे हो? मोटरसाइकिल पीछे रख के जाऊंगा ना इसमें। कब? कल बुलारो रेडी होने दे। अच्छा गाइस मैं क्या बताऊं, मेरी गांग भैया ये एकदम जैसे दिखते हैं बिल्कुल वैसे नहीं है। रूफ रेल सही लगी मेरे को, अभी करना है। चलो
फिलहाल क्या है कि अभी थोड़ा थोड़ा मैं मोहित हो रहा है, बोर तू बोर नहीं कह सकते, मतलब देखो अभी जब से हमने ब्लैरो ली है काफी देर से, मतलब ठीक है काम करवाया, लेकिन अब इसको ना वो मजा लेने का हमें फील ही नहीं पा रहा। हम गाड़ी चला ही नहीं रहे, ऑफ रोड किया ही नहीं। कुछ कमेंट्स में पढ़ता हूँ, तरुण भाई ऑफ रोडिंग आपका मेन कंटेंट है, आप ऑफ रोडिंग नहीं करते हो। ऑफ रोडिंग जो है वो हमसे है, हम ऑफ रोडिंग से नहीं है। हर दिन खाना खाने की जगह भी ऑफ रोडिंग नहीं हो सकती ना, तो गाड़ी थोड़ी सी तैयार हो जाए, इसको एक्सप्लोर करना है। लेकिन ट्रिप का भी बड़ा मन है, ट्रिप पे भी लोग कह रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें करें कैसे? हर दिन तो हम ग्राइंडर चलता हुआ देख रहे हैं। मोहित जी कब जाएंगे हम? कुछ पता नहीं यार, अब मैं थोड़ा सा ना ऐसे यू नो Not feeling good today. चल क्या करें? प्लान ऐसा है कि अगर आज हमारी ब्लैरो कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि अब मैंने ना बहुत जगह से काम करवाया, तरुण भाई से टायर डलवाया, अमित भैया से सारा फैब्रिकेशन का काम करवाया, अक्षय भैया से रैप करवाया, तो ये जो मॉडिफिकेशन है ये रहती है फर्स्ट फेज की मॉडिफिकेशन। अब क्या है कि सब जगह मैंने जो है अमाउंट पे करना है, ऑलरेडी सारा का कितना खर्चा बना है वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद जैसे एक फेज का खर्चा आपने दे दिया, फिर आप माइंड से फ्री हो जाते हो कि हाँ भाई इतना खर्चा पे कर दिया, अब हमें नेक्स्ट बजट डिसाइड करना है कि नेक्स्ट कितना खर्चा इस गाड़ी पे और होगा एंड कैसे कैसे वो भी अमाउंट आएगा। इसके लिए आप लोग शायद देखते हो कि सिर्फ हाँ गाड़ी बन रही है, तैयार हो रही है, तो ऐसा नहीं होता। मैं चाहता हूं कि कोई भी बंदा जो मुझे देख के मोटिवेट होता है, जो इंस्पायर होता है और जिसको ये चीजें अच्छी लगती हैं, तो इस चीज की हर एक चीज आपको बताई जाए। देखो गाड़ी पे काम होता है तो वो काम फ्री में नहीं होगा, पैसे लगते हैं, और प्रोजेक्ट व्हीकल आपको बनाना है तो उसमें पैसे लगते हैं। एक चीज मेरी ये है कि मैं शायद पैसा बचाने पे उतनी वैल्यू नहीं देता, रादर देन कि हम जो चीज कर रहे हैं उसे देखने में आपको मजा आना चाहिए, हमें करने में मजा आना चाहिए। तो मैं बहुत छोटे बड़े अमाउंट के लिए नहीं जाऊंगा कि हाँ भाई वहां सस्ता हो रहा है तो वहां से करवाना है, जहां से हम कंफर्टेबल लगते हैं और जहां पे भरोसा है। मतलब आप एक बार काम करवा के वापस क्वेरी के लिए वहां जा सकते हो। बड़े सारे लोग बाहर से भी काम करवाते हैं, बट इनकेस आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आएगी आप वापस बाहर नहीं जा सकते, तो ये सारी चीजें रहती हैं। फिलहाल आज कोशिश है, अगर गाड़ी हमें टाइम पे मिल जाएगी ना, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि तीनों जगह से मैं पेमेंट फ्री करके, अमित भैया को भी मैंने बोल दिया, अक्षय भैया को भी बोल दिया, तरुण भाई को भी अभी कॉल करके बोल दूंगा कि आप अपना बिल रेडी कर लो और वो अमाउंट भी पे करते हैं। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है, जितना पैसा भी लगेगा उससे डबल पैसा भी इस गाड़ी पे और लगना है, तो चलो लेट्स सी। पर उससे पहले तो हमें ट्रिप जरूरी है, क्यों जी? बिल्कुल। देखो नहीं, जब भी काम करवाओ तब तो मजा आता है, जब पैसे देने हो ना उस दिन थोड़ा सा मन खराब होता है। पर आखिर देन तो देन ही है ना यार, किसी का पैसा देना है तो वो देना है। आपको बिल बनाने के लिए बोला था, बनाया? आपने बोला देने ही नहीं पैसे। कैमरे में रिकॉर्ड होगी ये बात? चलो एक एक जगह तो माफ हो जाना पैसा, चलो अब अगली जगह देखेंगे। एक जगह से गाइस पैसा बच गया। मैंने ये थोड़ी बोला कि मैंने लेने नहीं है, आपने बोला था मैंने देने। नहीं नहीं बनाओ बनाओ, पहले वो बना ले इसके बाद। मेरे को आइडिया तो लगे ना, ठीक है। मौसम में पानी की जद्दोजहद, किल्लत किल्लत। मोहित जी तो पानी छोड़ते हैं, मोहित जी कितना पानी पियोगे? आपके लिए एक है, ये प्रोटीन प्रोटीन शेक का डिब्बा है, इसमें प्रोटीन शेक नहीं है। सेहत बनाने के लिए मोहित भाई बोलो, मेरे को है। तो जी पहले मैंने सोचा था कि भाई मैं बुलेरो लेके जाऊंगा अक्षय भैया के पास, लेकिन बुलेरो में भी टाइम लगेगा, बाकी जो पेमेंट है वो उनसे भी बात करते हैं यार। मतलब मेरे को ना स्ट्रेस रहता है, जैसे मैंने पैसे देने हो तो मेरे को दिमाग में वो चीज रहती है यार, देने 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 देने, सबका क्लियर करेंगे आज, उनसे ही पूछते हैं कितना। अमित भैया को मैंने बोल दिया तो उनको ही बोलेंगे, बाकी तरुण भाई को भी कॉल करता हूँ। फिलहाल तीन जगह ही देने, बाकी छोटा मोटा तो साथ साथ में देते रहते हैं। गाइस मेरी सीरियसनेस को देख के आप समझ सकते हो, मैंने आपको बताया जब भी काम होता है आप एकदम फ्री रिलैक्स, और फिर जब पैसे देने की बारी है तो फिर पड़ती है। निखिल भाई फिर क्या पड़ती है पैसे देने की बारी? टेंशन। टेंशन नहीं, उसको हम बोलेंगे काली पड़ती है। क्या हाल चल है? ठीक है। और ये हमारे एक्शन या सर जी, तो अभी इनको हमने बोला है, मेरा ही काम कर रहे हो ना? सब कुछ तो कैश, चलो जैसे कैसे भी हैं, तो अभी इनका भी बिकॉज जितना भी है वो क्लियर करना जरूरी रहता है। हालांकि चल रहा है सिस्टम, नहीं ये एडवांस वाला क्या सिस्टम, एडवांस बोल रहा है नहीं मैं। अच्छा, तो अभी ये बनाएंगे बिल। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जैसे जो भी चीजों के प्राइस मैं आपको बताता हूँ ना, वो प्राइस रहता है हमेशा मार्केट प्राइस, चाहे मैंने तरुण भाई से टायर डलवाए, अक्षय भैया से काम करवाया, जो अमित भैया से भी करवाऊंगा। मोटर राइडर हूँ ना मैं, और मैं इन सबका दोस्त भी हूँ, तो उसके भी यहाँ पे मुझे कुछ डिस्काउंट्स तो मिलते ही हैं, लेकिन वो डिस्काउंट मैं आपको कैमरे पे नहीं बता सकता। तो इसलिए अक्षय भैया अमाउंट को आप बनाइए, तो फिर हमें बताइए, फिर इनका भी हम पैसा देंगे, और लास्ट में मैं आपको बुलेरो का जो पूरा कॉस्ट है वो बताऊंगा। तो जी फाइनली अक्षय भैया ने जो बिल है वो काउंट किया है, तो अब आपको मैं बताता हूँ। तो निकालो कैलकुलेटर। अक्षय भैया ने मुझे चीज टू चीज का बताया, तो अब मैं कैलकुलेटर से आपको बताऊंगा कि भाई कितने बने हैं सिर्फ अक्षय भैया के। तो अक्षय भैया ने काम क्या क्या किया है? अक्षय भैया क्या क्या काम किया है? रैपिंग, रैपिंग प्लस डीक्रोम, तीन की जगह सॉरी अक्षय भैया मैंने 30 की जगह 300,000 लिख दी है। एक मिनट आप खुद ही कैलकुलेट करो, रैपिंग का डालो, ठीक है चल गया, डीक्रोम का डाल दो, डीक्रोम जो एलिमेंट्स हमने मोनोग्राम्स वगैरह अभी कुछ एलिमेंट पड़े भी हैं वो भी हमने लगाने हैं, उसके बाद स्नॉर्कल आ गया, हाँ जी, और लैम्डा व्हील हब्स आ गए, ठीक है हो गया सर कुछ? हाँ जी, चलो जी। तो जी ये आप देख सकते हो, ये है अक्षय भैया का बिल, जो आपको मार्केट प्राइस पे चीजें मिलती हैं, ये उन सारी चीजों का प्राइस है, रैपिंग शैपिंग और जो भी है, तो लगभग 60,000 का जो है वो अक्षय भैया का, ठीक है अक्षय भैया।
अब से मैं और अक्षय भैया की दोस्ती में आ गई है बाधा, क्योंकि मैंने पैसे नहीं देने हैं। जोक सपाट। तो चलिए ये मैं पेमेंट जो है वो हम क्लियर कर देंगे अभी। अभी जो बाकी सामान है, मैं कह रहा हूँ बाकी सामान से पहले जगह लो, घर बनाओ, सबसे मेन स्टोरी है। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो हमने बलैरो के उसमें मैंने 2 लाख डाला था, बलैरो में होगी 2 लाख की मॉडिफिकेशन। मेरे को लगता है 1.5 से ऊपर तो अभी इतने में ही पहुंच जाएगा। तो अभी जो मंगवाया हुआ है उसको भी हमें देखना पड़ेगा, बट कोई नहीं, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा। जैसा रिस्पांस आप दे रहे हो ना, फिर 2 क्या 4 भी चले जाएंगे अगर आप लोग प्यार दिखाओगे। लेकिन एक्चुअली गवर्नमेंट ने भी तो गड़बड़ की है क्या? हम प्रमोशन अगर बंद कर देंगे यूट्यूब से जितना आता है वो तो ऐसे ही लग जाएगा। तो चलो कोई नहीं यार, ऊपर वाला साथ है, आप लोग साथ हो, अक्षय भैया साथ है, तो सब कुछ देख लेंगे। ठीक है। तो जी डी क्रोम का हमने अभी पेमेंट किया है, लेकिन काफी डी क्रोम। अक्षय ये क्या है? ये तो मैंने दिए नहीं थे। ये मैंने खुद करवाए हैं। ये क्या है? ये फेस मास्क है क्या? यस। सो गाइस ये हेडलाइट का है, बेसिकली आता क्रोम में ही है ना। तो ये हमने उस टाइम इंस्टॉल नहीं किया था। टेल लाइट हेडलाइट सबका ना, और एक महिंद्रा का मोनोग्राम है ये भी पड़ा है। तो आज आए हैं तो ये भी लगा ही लेंगे। दिमाग और शरीर की गर्मी को काबू में रखने के लिए गन्ने का जूस पिया जाएगा। हंसना जरूरी है क्या? क्या हुआ आज हमने पैसे देने, हमारे अकाउंट से बहुत बड़ा अमाउंट है, तो क्या हुआ? हंसना जरूरी है भाई, थोड़े मैं दे देता हूँ। और गाइस एक चीज हमेशा जीवन में याद रखो, बोलना भूल के डालो गाइस, बड़ा आदमी बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मैं करना चाहता ग्राइंड। आज फिर से हमें जैक डेनियल का ग्लास मिल गया है ना मोहित, पीने तो पड़ती है। चल चीयर्स तो कर भाई। चल चीयर्स। फाइनली पहुंच गए हैं वापस सामान लेके, और मौसम भी जो है वो भी ख़राब हो रहा है। ये महिंद्रा वाले एलिमेंट भी ले लिए हैं, एंड बुलेरो का आप देख सकते हो रूफ रैक जो है वो फिट हो चुका है। रुक रुक रुक, किससे बात कर रहा है? सारे कपड़े जोड़ दिए क्या? हाँ ये देखो ये लगेगा यहाँ पे। बेगांग भैया ने आज हमें दिखाई है नई नान की शॉप, जहाँ नान खाएंगे। चीज में स्ट्रगल है, खाने की स्ट्रगल, लगाने की स्ट्रगल। चलो स्ट्रगल जरूरी है लाइफ, बढ़िया खाना खाना है तो स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी ना। बढ़िया है ना, मजेदार है, ठीक है। फिलहाल टांका तो लग रहा है, जो कपड़ा रखा हुआ है गीला करके रखा हुआ है, रैप बचा रहेगा। लाइट के डीक्रोम एलिमेंट हमने लाए हुए हैं, लेकिन उसके लिए इनको लाइट का साफ होना बड़ा जरूरी है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इन्हें रफ कर रहे हैं अभी। इधर किया है, चलो फिर शाइन आएगी प्रॉपर वाली। तो यहाँ से आपको डिफरेंस जो है वो सामने ही दिख रहा है, ठीक है ना, वो थोड़ी गंदी सी दिख रही है। ये ऑल क्लियर, अभी वो भी ऐसी हो जाएगी 2 मिनट के अंदर। फिलहाल अभी क्या है कि ये पत्तियां तो ऊपर वाली बन चुकी है ना, ये तो होगी वेल्ड। अब इसको यहाँ पे रोकने के लिए एक पत्ती बनेगी, जो वो वाली पत्ती है वो अभी बनाई जा रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। कॉल आ गया जी। सो जी ये बन गई है पत्ती, चलो जी फटाफट से बनाएंगे अभी इसको, देखते हैं कैसे बनेगी। ये लाइटों को भी बफिंग जो है वो हो चुकी है, अब लगाएंगे हमारा डी क्रोम का एलिमेंट। आगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा, पीछे वाला देखना पड़ेगा कैसा लगता है। जैसे अभी आप एक बार यहाँ से लुक देखो, ठीक है ना, ऐसी लग रही है ना, जब वो लग जाएगा फिर और शेर दिखेगी, ये शेर गाड़ी। सो जी सारी जो टेप है वो उतर गई है, रखो चलो। तो यहाँ से इसको प्रॉपरली फिट करना बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा ऊपर 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 ऊपर, नहीं नहीं उधर से नीचे करो। हाँ सबसे टफ काम यही है अलाइनमेंट बिठाना है। लग तो ठीक है, किसी मिट्टी से तो ठीक है। लग दबाया से बात हो गया। लो मार कपड़ा वाला जी, अब फर्क देखो। बबलू जी साइड होना, 1 मिनट, देखो है ना फर्क, मजा। अभी इसको भी लगाएंगे। चलो जी अभी दूसरी वाली साइड भी लगेगा। बढ़िया। सो जी ये देखो कुछ इस तरह का क्लिप जो है ये बन रहा है, ये देखो। चलिए जी अभी टेल लाइट के ऊपर लगाएंगे ये वाला एलिमेंट, देखते हैं इसमें तो नट देखना है। चलो जी दबा दो, तो अभी यहाँ से आप डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है ना, लग रहा है ना। हाँ एलिमेंट ऐड किया हुआ लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये वाला मैं खुद ही लगाऊंगा। बोलो जी पकड़ो कैमरा, अच्छे से रिकॉर्ड करना, ठीक है। अरे दिखाओ आप अपना चेहरा, लो बिल्कुल बोलना भी है, बोलो। अभी भैया लगा रहे हैं डी क्रोम, ये अभी भैया लगा रहे हैं। ठीक लग रही है? हाँ जी ठीक है। ओके ओके लग रही है ना आराम से? हाँ हाँ ठीक है ठीक है।
दबा दो इसको, नहीं तो ये उतर जाता है थोड़ा थोड़ा। चलो जी लग गए जी हमारा डीक रूम। अब बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि तरुण भाई इसके पीछे ना टायर लगा दो। बेसिकली क्या है, हमने मंगाया हुआ है टायर कैरियर। अब अगर हम यहाँ टायर लगा देते हैं ठीक है, तो ये जगह फट जाएगी। और जब हम टायर कैरियर लगाएंगे, मुझे नहीं पता वो इसके साथ लगेगा या अलग लगता है। अगर तो साथ लगता हुआ फिर तो मसला नहीं है, अगर वो इसके साथ टच ही नहीं करता हुआ तो ये जो फटा हुआ पीस है ना, इसे हमें फिर से रैप करना पड़ेगा। वो रीजन है कि अभी तक इस पर टायर नहीं लगाया। टायर तो लगेगा ही भाई, पांचवा टायर खरीद के रखा हुआ है तो उसको क्या करेंगे, वो भी 10,000 की सट पड़ेगी। नहीं तो मेन वाला तो याद ही नहीं रहा हमें, मेन तो ये था महिंद्रा। तो अभी इसको भी लगाएंगे। बबलू जुतारो इसको भी कहते हैं, ये लगेगा यहाँ पे 25 पे लगता है महिंद्रा। तो एक ब्लैरो खड़ी है उस पर देख के आता कहाँ लगा, महिंद्रा लगाना है तो। बोलो जी कपड़ा ले आओ पहले साफ करो। तो बेसिकली नए वाले मॉडल पे ये लिखा हुआ नहीं आता, पुराने पे हमने यहीं से उतारा है, मुझे याद है जी। ये ज्यादा नहीं होगा गैप, गैप तो होता ही होता ना। ठीक है ठीक है, जान दो ठीक है थोड़ा सा। हाँ इधर से ऊपर करो थोड़ा सा। हाँ ठीक है जान दो। पूरी गाड़ी एक तरफ, सारा काम करना गाड़ी का, और ये मोनोग्राम लगाना एक तरफ। एच देखो, एच कितना ट्रिकी है। महिंद्रा आनंद महिंद्रा जी को भी थोड़ी देर बाद मैं टैग करूंगा। उसको लेके पता नहीं कितने दिन से घूम रहे हैं, कह रहे हैं मेहनत नहीं की। वो घूमने के लिए रखी है ना। आप क्या उतार रहे हो? ब्लैक ऐसा है ना, वो भी देख लेंगे। अगर ये अच्छा नहीं लगेगा तो ये बुरा किसी भी हाल में नहीं लग सकता। हाँ जी, कोई भी कलर ट्राई करेंगे, जा तो वो अच्छा है जा तो वो बुरा। सारे कंप्लीट। अमित भैया ने अभी लगाया है, एक तो बिल्कुल सीधा और ऊपर से गैप भी देखो बिल्कुल। एक्सपीरियंस है 2008 से, हम 2000 से 24 साल हो गए। 2000 बिजनेसमैन सर। 2000 में मैं 6 प्लस में था और 2000 में मैं 3 साल का था। क्या बात है, व्हाट अ जोक। फाइनल महिंद्रा देश की कंपनी। क्या टाइम था महिंद्रा सिर्फ ट्रैक्टर बनाती थी। मतलब मैं तो जब छोटा था तो महिंद्रा से ट्रैक्टर की वजह से ही जानता था, और आज महिंद्रा ही महिंद्रा हो ही पे ही है। लिव यंग लिव फ्री, लिव यंग लिव फ्री, वो तो ऊपर लिखा हुआ है। अभी आया हूँ मैं भैया को लेने। बेसिकली क्या है कि जिमनी भी मेरे पास, बलैरो भी मेरे पास, तो ये वाली गाड़ी जो है ये भैया लेके आ जाएंगे वापस, मुझे अमित भैया के पास ड्रॉप कर देंगे। प्लस इसकी सर्विस भी है, तो अभी मैं कंपनी में भी कॉल करके पूछता हूँ, अगर वो गाड़ी अभी ले लेते होंगे तो अभी दे देंगे, नहीं तो फिर उनको कल गाड़ी मॉर्निंग में छोड़ के। सर्विस टाइम टू टाइम होनी चाहिए गाड़ी की, इससे ठीक रहता है। यहाँ कहीं भैया वाले ने बोला था, ये कौन सी चौक में खड़े हो आप, इधर मैंने आना यार। मैंने क्या सोचा कि मैंने कहा अगर तू वहाँ से आ रहा होगा, हाँ। चौक तो यही है मुंडा, यहीं से वापस। मैं कहाँ गया हुआ? तूने कहा तू भगवती नगर वाली साइड है। यार मैंने... मेरे पे सिर पे बहुत प्रेशर है भाई, मैं नहीं इतना फोकस कर पाता चीजों पे। अरे भैया आ गए हैं, छोड़ के जा रहे हैं वापस। चलो आप बोलो, ये भैया थंबनेल लेने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बोलो। भैया थंबनेल लेने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और मैं उससे भी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। कहाँ चढ़े हो वो भी दिखाओ। मैं उससे भी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ये देखो। A few minutes later. चलो जी finally thumbnail के चक्कर में हमने roof rack का test भी कर लिया है. It's hard day today. चलो. Thank you छोटू भाई. क्या चक्कर है सर? नहीं है तार भी है. बसंती नहीं बन रही इसको. आ जाओ जाओ नीचे आ जाओ। तो भाई साहब उधर से चढ़ के फोटो लिया है। गाड़ी मतलब अब सही लग रही है, अब देख के लग रहा है कि भाई हाँ कुछ तो किया है। ये चीज भी कॉम्प्लीमेंट कर रही है, रूफ रैक कॉम्प्लीमेंट कर रहा, आगे से भी देख लेते हैं, बस वॉश करवानी है इसको। ये बात अरे बारिश हो गया करो तो। आज रूफ रैक को कितने दिन हो गए? तो ये हम रूफ कैरियर को पेंट करने जा रहे हैं, तो इसको भी पहले मतलब उल्टा कर लिए, पहले अंदर से पेंट करेंगे, थोड़ी देर बाद फिर इसको बाहर से पेंट करेंगे। तो ये पेंट हो गया रेडी, इसके कुछ ब्रैकेट्स हैं ये पेंट हो रही है, दोनों साइड से पेंट हो गया। तो चलिए थोड़ी देर में आपको ये ब्लैक मिलेगा, प्रॉपर मैट ब्लैक, और इसको कोशिश करेंगे इसको आज ही फिट करेंगे। दिन भर की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद फाइनली हमारा रूफ रैक गंदा क्यों है। तो आज मतलब मैंने ठाना था कि भाई साहब रूफ रैक तो लेके जाना है, जल्दबाजी के चक्कर में जल्दबाजी ना करें, आराम से रखें। चलो जी तो अभी फटाफट से सारे क्लिप लगेंगे और आज का आज रूफ रैक इंस्टॉल। ये निकल चुके हैं वर्कशॉप से, एक्चुअली थोड़ा जल्दी में थे। बिल जो है वो मैंने अमित भैया से ले लिया, एंड में मैं आपको सारा बिल जो है वो बता दूंगा कि हाँ भाई कितना बना है, क्या है, जो भी है। तो जी पहले टाइम किधर है, टाइम देख सकते हो आप गाइस, टाइम नहीं दिख रहा। अरे 8:30 हो चुके हैं, फाइनली हम पहुंच चुके हैं, गाड़ी अपनी ये रही। राधे राधे जी।
क्या हाल चाल है? ठीक हो? क्या हाल चाल है? ठीक हो? सो गाइस यू कैन चेक, आगे बोलने की जरूरत है नहीं है। तुन भाई जीपी हैं? जीपी जी। गुड मॉर्निंग। ओह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो गाइस फाइनली अभी ये देखो, ये आपने देख लिया ना, अभी बाकी का मसला मैं करके बताता हूँ। जो हमारा बिल है वो बन के आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट जो है, तो मैंने बिल भी जो है हमारे नाम पे ही बना दिया, स्मॉल टाउन राइडर। तो चलो ठीक है, फिलहाल 50,000 का ये भी हो गया। गया था टिफिन लेने के लिए और उधर देखो सामने, मतलब आ गया थार खड़ी है, लेकिन अपनी बोलेरो का प्रेजेंस बताओ कौन सी बढ़िया लग रही है आपको ज़्यादा? अभी ये थोड़ी सी लाइट में खड़ी है, वो थोड़ी पीछे खड़ी है, देखो बढ़िया भयंकर। पहुंच चुके हैं रूम पे वापस। तो अभी आपको मैंने ना बिलिंग का अमाउंट, बेसिकली जो आज की वीडियो का टाइटल थंबनेल है कि भाई सारी बातें ने अगर बताई कि भाई खर्चा तो चलो होता ही है, मजा तो आता ही है, लेकिन जब पैसे देने पड़ते हैं ना तो फिर और भी ज्यादा मजा आता है। तो फिलहाल दो जगह का अमाउंट आपने देख लिया, 50,000 तरुण भाई का एंड 60 के अराउंड जो था वो अक्षय भैया का था, एक 10 हो गया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अमित भैया ने जो मुझे बिल दिया है वो भी आपको दिखा देते हैं एक बार। तो ये अमाउंट आप सीधा सीधा देख सकते हो, रूफ कैरियर का जो है 18,000 रुपये आ गया, फ्रंट बिल बेयरिंग जो है 700 रुपये की यूनिट है, 2,800 इसके हो गए, एक्सल सील डली है, ग्रीस डली है, लेबर जो है ओपन एंड फिटिंग जो है वो इतना हो गया, डेंटिंग एंड इसका इतना हो गया, पेंटिंग का जो है वो इतना हो गया, मैकेनिकल लेबर इतना हो गया, एंड तो ये सारा का सारा जो अराउंड है ये लगभग बन गया हमारा जी 53,000 एंड डिस्काउंट भी उन्होंने 3,500 रुपये में डाल दिया। तो लगभग 1,60,000 रुपये के पास अभी अभी हमारा जो इस मॉडिफिकेशन का प्राइस है वो बन चुका है। सो देखने में चीज़ें ईजी लगती हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई यूट्यूब से हम कितना अर्न कर रहे हैं और कितना एक्सपेंस हमारा इस काम में आता है। 1,60,000 नहीं होगा, 10-15 हो सकता है, इसमें भी डिस्काउंट होगा बट उससे ज्यादा नहीं है। देखो ये पैसा दिखाने का ये मतलब नहीं है कि हाँ भाई इतना खर्चा हो रहा है, इतना पैसा हो गया। अभी मुझे गाड़ी लिए हुए महीना नहीं हुआ है, उसके अंदर ही मैंने इतना अमाउंट गाड़ी पे लगा दिया। ये सब किस बदौलत है? क्योंकि ये मेरा काम है, प्रोफेशन है, और आप लोगों को ये चीजें देखना अच्छी लगती है, मुझे करना अच्छी लगती है, मेरे शौक पूरे हो रहे हैं, मैं ग्रो कर रहा हूँ, आप लोगों को देखना अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ सीखने को मिल रहा है, एक दूसरे के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे। प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, यहां तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ सजेशन वगैरह होंगे अपने तो उन्हें भी हम फॉलो करेंगे। फिलहाल ये जो है ये हमारा इनिशियल फेज का मॉडिफिकेशन था, पहला फेज का मॉडिफिकेशन है। अभी जो नेक्स्ट फेज है, रखा तो हमने 2,00,000 का अमाउंट था अपनी मॉडिफिकेशन के लिए, लेकिन अगर 1.5 के आसपास इधर ही हो गया तो 50,000 और बचा है, तो अमाउंट जो है वो ऊपर जाने वाला है। अभी काफी सारा सामान मंगवा दिया है, वो आना है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉडिफिकेशन होगी। अब जो नेक्स्ट है वो जो हमने पैसा लगाया है उसको एंजॉय किया जाएगा, वसूला जाएगा नहीं जी वसूला जाएगा वो तो पता नहीं, बट उसे एंजॉय किया जाएगा, वो हम कर सकते हैं ऑफ रोड से, ट्रिप से, जो भी है। तो बस प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, 1 या 2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल इंटरनेशनल ट्रिप मैंने लिख तो दिया है, बट इंटरनेशनल ट्रिप गाड़ी के साथ कर पाना इज नॉट अ जोक, उसके लिए बहुत सा सिस्टम चाहिए, बहुत सी चीजें मैनेज करनी है। लास्ट के मोमेंट मैंने बातें थोड़ी ज्यादा करती, जिस बात ही हो जाता हूँ, ठीक है, मिलते हैं आपसे कल, टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। Thank you.